हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा में 55 पदों पर निकली वैकेंसी, यहां देखिए नोटिस। झारखंड के जामताड़ा से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जामताड़ा जिले में कई पदों पर भर्ती को लेकर वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए जिला ग्रामीण विकास अधिग्रहण ने आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है। आप नोटिस को पढ़े तथा फटाफट आवेदन करें। जिला ग्रामीण विकास अधिग्रहण ने सहायक अभियंता, कनिक अभियंता, ग्राम रोजगार सेवक, कंप्यूटर सहायक, लेखा सहायक और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के 55 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। जिला ग्रामीण विकास अधिकरण के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 12वीं, डिप्लोमा, डिग्री, स्नातक आदि निर्धारित किया गया है। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 6 अक्टूबर से ही प्रारंभ हो गई है, जबकि अंतिम तिथि 22 अक्टूबर है। जिला ग्रामीण विकास अधिकरण के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट और इंटरव्यू के द्वारा होगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jamtada.nic.in पर जाकर प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कीमतों में वृद्धि, रसोई गैस फिर महंगी, 15 रुपये बढ़ी। रांची में अब 957 रुपये में मिलेगी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के साथ ही रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए गए हैं। कल LPG की कीमत 15 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाई गई है। इसके साथ ही दिल्ली और मुंबई में रसोई गैस 899.50 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया है। वहीं झारखंड में 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत 957 रुपये हो गई है। पहले यह 942 रुपये में मिल रही थी। वहीं पेट्रोल की कीमत 30 और डीजल की कीमत 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई है। इससे जो है दिल्ली में पेट्रोल 102.94 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.42 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। यह अब तक का रिकॉर्ड कीमत है। 3 हफ्ते के ठहराव के बाद ईंधनों की कीमत में 7वीं बार हुई वृद्धि से ज्यादातर बड़े शहरों में पेट्रोल 100 रुपये लीटर के पार हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुर्गा पूजा के पहले दिन रांची समेत आसपास के जिलों में खिली है तेज धूप। जाने कैसा रहेगा दुर्गा पूजा के दौरान मौसम। गुरुवार को राजधानी व आसपास के जिलों में सुबह से ही तेज धूप खिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज रांची में मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा। दिन में हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही शाम में हल्की बारिश होने की संभावना भी है। शहर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों तक कोई बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं रात में हल्की ओस गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस दुर्गा पूजा में मौसम मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य में किसी प्रकार के जो सिनॉप्टिक फीचर का असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। वही पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मानसून की स्थिति बेहद कमजोर रही है। राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश देखने को मिली है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो रांची में 20 सड़क पर मर्डर, काजू का ट्रक खाली करा लौट रहे युवक को। दुर्गा सोरेन चौक पर बाइक से आए 2 अपराधियों ने मारी गोली। घटना के कारणों को जानने में जुटी पुलिस। रांची में 20 सड़क पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना बुधवार के लगभग 1 बजे रात की है। यहां के दुर्गा सोरेन चौक पर बाइक से आए 2 अज्ञात अपराधियों ने ट्रक में सो रहे युवक को गोली मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक की पहचान पंडरा निवासी गोलू कुमार के रूप में हुई है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना स्थल से 2 खोखा बरामद किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। कोडरमा के डंगरा पहाड़ की तलहटी से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। सारे विस्फोटक पहाड़ के तलहटी पर छुपा कर रखा गया था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विस्फोटक बरामद किया है। विस्फोटक बरामद होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार विस्फोटक को पहाड़ के नीचे गुप्त तरीके से छिपा कर रखा गया था। बरामद विस्फोटक में मैन्युफैक्चरिंग हैदराबाद लिखा हुआ है। इधर पुलिस जो है विस्फोटक को जब्त कर थाना ले आई है और विस्फोटक की गिनती की जा रही है। पुलिस यह जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि इन विस्फोटकों को किसके द्वारा छुपा कर रखा गया है और इसका कहां इस्तेमाल किया जाना था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करो तो लखीमपुर खीरी जा रहे कांग्रेसियों को यूपी बॉर्डर पर रोका। NH 75 पर 4 घंटे आवागमन ठप। किसानों की वाहन की चपेट में आने से मौत के खिलाफ लखीमपुर खीरी जा रहे कांग्रेस पार्टी के लोगों को झारखंड यूपी बॉर्डर के समीप विडमगंज में यूपी पुलिस ने रोक दिया। इसके विरोध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर
के नेतृत्व में पार्टी के लोग वहीं धरना पर बैठ गए। जब लाख कोशिश के बाद भी यूपी पुलिस नहीं मानी तो सभी लोग 4 घंटे बाद वापस लौट गए। रात 3 बजे से सुबह 7 बजे तक बॉर्डर पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इससे जो है NH 75 पर 4 घंटे तक वाहनों की आवाजाही भी ठप रही। बताया जाता है कि लखीमपुर खीरी जा रहे झारखंड प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, मांडर विधायक बंधु तिर्की, रामगढ़ विधायक ममता देवी, कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोगाड़ी, पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शहजादा अनवर सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता का काफिला जैसे ही झारखंड बॉर्डर पार कर विडमगंज पहुंचा, पहले से ही सूचना पर NH 75 पर बैरिकेटिंग कर यूपी पुलिस मुस्तैद थी। कांग्रेसियों को यूपी पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए आगे बढ़ने से रोक रही थी। इसके बाद दोनों ओर से जमकर बहस भी हुई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार और झारखंड में डकैती चोरी को अंजाम देने वाले 9 बदमाश चढ़े पुलिस के हाथे। बिहार के गया और झारखंड के कई जिलों में चोरी और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले 9 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है। 9 बदमाशों से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डकैती कांड का खुलासा गुरुवार को वरीय पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 11 से 15 अक्टूबर तक धनबाद शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक। दुर्गा पूजा को लेकर 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच शहर में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी। शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में जाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा रूट चार्ट जारी किया गया है। नए रूट चार्ट के अनुसार 11 से 15 अक्टूबर तक सुबह 8 बजे से रात्रि 2 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। ट्रक व मालवाहक 407 के अलावा पेट्रोल टैंकर और बसें सुबह 8 बजे से रात 3 बजे तक शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। धनबाद, झरिया और कतरास नगर में रात 3 बजे से सुबह 8 बजे तक ही बड़ी गाड़ियों का प्रवेश या निकास हो सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत के ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन पर बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। बोले, सस्ती लोकप्रियता से बचे मुख्यमंत्री। भाजपा विधायक व सांसद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। पार्टी ने कहा है कि पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने जल्दबाजी में एक दिन पहले उद्घाटन कर दिया। भाजपा के महामंत्री आदित्य साहू ने पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री सस्ती लोकप्रियता से बचे, जनता ने काम करने के लिए चुना है। राज्य के सत्ता पक्ष की नीति और नियत को फिर से उजागर करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार पार्टी के सभी सांसद विधायकगण इस उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया। मौके पर शिवपूजन पाठक, अमित सिंह व अशोक बड़ाइक थे। इधर गोड्डा से भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पीएम को इस संबंध में पत्र लिखा है और उद्घाटन कार्यक्रम को अनैतिक बताया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स छत के झड़ रहे देख मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाराजगी जताई, ठीक कराने का निर्देश। मुख्यमंत्री ने रिम्स की व्यवस्था देख प्रबंधन पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने निदेशक से कहा कि लोग घर की भी सफाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन यहां जो दृश्य दिख रहा है वह काफी चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गंदगी और झाड़ दिख रहे हैं, इससे जो है मच्छरों का प्रकोप बढ़ सकता है, साथ ही भवन की नींव भी कमजोर हो सकती है। यही कारण है कि बिल्डिंग जर्जर हो जाती है। दरअसल मुख्यमंत्री अचानक को बास स्लैब से निकलकर दूसरे तल्ले के कॉरिडोर से होते हुए आगे बढ़ी रहे थे कि अचानक उन्हें जो है छत की जर्जर हालत दिखी। हालत ऐसी कि प्लास्टर तक झड़ गए थे और सर यह दिख रहा था। इसके अलावा रिम्स के उसी पथवे के दाईं और गंदगी का जो है झाड़ देख नाराज हो उठे। उन्होंने इसे साफ कराने का निर्देश देते हुए कहा है कि पूरे जो है परिसर को साफ करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस अगली बड़ी खबर की बात को तो पारा शिक्षकों ने की बैठक कर नियमावली पर की चर्चा। पारा शिक्षकों ने अस्थायीकरण व वेतनमान से संबंधित नियमावली प्रारूप पर चर्चा शुरू कर दी है। गुरुवार को शिक्षक संघ भवन धनबाद में झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ जिला इकाई की बैठक हुई। बैठक में प्रस्तावित नियमावली प्रारूप की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जो है कोष संगठनिक सशक्तिकरण पर मंथन किया गया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष मो सिद्दीक शेख एवं प्रदेश संगठन मंत्री सुनील कुमार पांडे समेत अन्य ने संबोधित किया। बैठक में जिला अध्यक्ष निरंजन कुमार दे, जिला महासचिव अशोक चक्रवर्ती समेत सभी प्रखंड एवं संकुल के अध्यक्ष व सचिव समस्त अन्य मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेवा नियमितीकरण की याचिका, हाईकोर्ट का आदेश, अनुबंध पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षकों की सेवा नियमित करे। महिला बाल विकास विभाग में 10 साल से अधिक समय से अनुबंध पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षक नियमित होंगी। हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक ने विभागीय सचिव को 12 हफ्ते में ऐसे कर्मियों की सेवा नियमित करने का आदेश दिया है। धनबाद में कार्यरत नीतू कुमारी और अन्य ने सेवा नियमितीकरण की याचिका दी थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया है कि यह महिला पर्यवेक्षक 15 वर्ष से अनुबंध पर
कार्यरत है पर सरकार सेवा नियमित नहीं कर रही है। उन्होंने उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।